गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ मी असित कुमार यादव। एज वी नाउ यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द इनफर्टिलिटी। नाउ टुडे आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, देन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द नोट्स वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेज, दैट वाट एवर इज द क्वेश्चन गिवन इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइजेज, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, then we will move to the next chapter. Now let's start today's videos, and if you are new my channel, please like my videos, share my videos and subscribe my channel to be updated. That's all, let's start. As I told earlier, we have already completed the all topic of this chapter. Now last topic was remained yesterday. Now we will start the last topic, that is the infertility. Now yesterday we have completed STDs, that is sexual transmitted disease. Now today we will start the infertility, and later we move to the notes and then the exercises. Now let's start today's videos. This is our last topic, that is infertility. Infertility means in Hindi meanings that the person who does not able to pursue any more children is known as the infertile person, which is called as the infertility. That individual, this infertility induced in the both male and the female partner. And it does not mean that the female partner is only infertile, but it also goes to the male partner. That male partner also holds the infertile character. So that we have to not discriminate between the male and female partner that they are infertile or not fertile. It does not mean that any person who is not able to make child is their infertility, that there are some other reasons that the person are not able to produce the children and the next generation to the next. Now let us start. Whatever is written in the books, that we will insert the insert line by line, then we will the discussions. Now first is, a discussion of reproductive health is incomplete without the mention of infertility. जो हम लोग discussion कर रहे हैं reproductive health का ये unit है, और ये infertility यानी कि बाजपन होता है जिसको कहा जाता है, इसके मतलब बाजपन के द्वारा ये पूरा discussion अधूरा है। A large number of couples all over the world including India are infertile. बहुत सारे person यानी कि large number of world, दुनिया के बहुत सारे पर्सन हैं जो क्या है इंडिया जैसे जिसमें इंडिया भी है वो इनफर्टाइल रहते हैं बहुत सारे मनुष्य। दैट इज़ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, जैसे कि वो जैसे कि क्या होते हैं ना मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स को मतलब आफ्टर क्वाइटस यानी सेक्सुअल मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल कंजेनिटल डिसीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जैसे कि फिजिकल हो सकता है फिजिकल रीज़न, या कॉन्जाइटल डिसीज होगा या फिर पहले से कोई डिसीज होगा, या ड्रग्स मतलब ड्रग्स इनहेल कर रहे होंगे, और इम्यूनोलॉजिकल यानी कि जो इम्यून सिस्टम जो होता है ह्यूमन सिस्टम का वो भी कमज़ोर होगा, या फिर कुछ ज़्यादा फिजिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बींग चाइल्डलेस। जैसे भारत में है कि मतलब क्या किया जाता है फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है जैसे कि चाइल्डलेस है, बट मोर देन दैट नॉट द प्रॉब्लम्स लाई इन द मेल पार्टनर। ऐसे नहीं है कि बस मतलब फीमेल पार्टनर ही इनफर्टाइल होती है, ये मेल पार्टनर भी इनफर्टाइल होते हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एटसेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द डिसऑर्डर्स एंड एनेबल दिस कपल्स टू हैव चिल्ड्रेन। और बहुत सारे इनफर्टिलिटी का क्लिनिक होता है मतलब जो डॉक्टर हॉस्पिटल खोलते हैं, और ये मतलब क्या मदद करते हैं जो कि ये डिसीज़ को ये मतलब इनफर्टिलिटी भी एक प्रकार का डिसीज माना जाता है जो कि जिसको ट्रीटमेंट किया जाता है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के द्वारा। हाउएवर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, और बहुत सारे ऐसे करेक्शंस होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, और जो सर्टेन मतलब जो चिल्ड्रन मतलब सर्टेन कपल्स होते हैं बहुत सारे कपल्स होते हैं वो उनको चिल्ड्रेन चाहिए मतलब स्पेशल टेक्निक्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कॉमनली नाउन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और उसको क्या उस टेक्निक को क्या कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं ART, आर्ट भी बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं लेटर व्हाट इज़ नेक्स्ट। द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ नोन एज द IVF, इसका मतलब क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन देन इन द बॉडी। जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है जो हम लोग देते हैं ना एग स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होगा बॉडी के आउटसाइड होगा लेकिन सिमिलर कंडीशन होगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंडीशन होता है वो कंडीशन बॉडी के आउटसाइड में होता है मतलब बॉडी के बाहर यानी कि शरीर के बाहर वो चीज़ फर्टिलाइजेशन होता है,
लेकिन कंडीशन सेम रहता है, जैसे कि फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है स्टमक जंक्शन पे, जैसा कंडीशन रहता है जिस इन्वायरमेंट में होता है वैसा इन्वायरमेंट शरीर के बाहर प्रदान किया जाता है और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, उसको इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, फॉलोड बाय इनविट्रो ट्रांसफ़र, और जिसके बाद इम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। इज वन ऑफ सच मेथड, ये एक ऐसा मेथड है। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल, और इसको क्या कहा जाता है, इस चीज़ को इम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है जो, और IVF होता है, इम्ब्रियो ट्रांसफ़र ET होता है, और जो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इस प्रोसेस क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल, जो ओवा होता है, ओवम होता है, वो जो वाइफ से लिया जाता है, ओवम होता है वाइफ से लिया जाता है, और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल, और जो स्पर्म होता है, स्पर्म वो किससे लिया जाता है, हस्बैंड या फिर जो डोनर मेल होता है उससे हस्बैंड लिया जाता है, आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस टू फॉर्म जायगोट अंडर सिमल्टेनियस कंडीशन इन द लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में ओवम और स्पर्म को मिलाया जाता है जिसके कारण जायगोट का फॉर्मेशन हो। ठीक, आगे देखते हैं। जायगोट और अर्ली इम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, और जो जायगोट होता है और जिसको अर्ली इम्ब्रियोज कहा जाता है, जो कि 8 ब्लास्टोमर्स तक हो जाता है, कुल देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फलोपियन ट्यूब, उसको फिर फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस को, जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको कि जब जायगोट बन जाता है और उसमें 8 ब्लास्टोमर्स हो जाते हैं, ब्लास्टोमर्स स्टेज तक पहुँच जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ZIFT, जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक, एंड इम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इन टू द यूटरस, और जो इम्ब्रियो 8 से 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमर्स का हो जाते हैं, मोर देन 8 यानी कि +8 हो जाते हैं, तो उसको किसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यूटरस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र कहा जाता है, टू कम्प्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, जो कि यूटरस में उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। इम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि इम्ब्रियो फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विथ इन द फीमेल, जो फीमेल गैमेट में, मतलब फीमेल के अंदर में वो फ्यूजन होता है, also could be used to search transfer to assist those females who cannot conceive, और ये मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो गया दूसरे फीमेल में, और उससे मतलब जो जायगोट बनता है उस जायगोट को निकाल करके, और दूसरी मतलब फीमेल जो होती है जो कंजीव, मतलब प्रेगनेंट नहीं हो पा रही है, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फलोपियन ट्यूब, जो कि ओवम का ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि जैसे कोई फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो जो डोनर फीमेल है उससे ओवम ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, फलोपियन ट्यूब में, यानी कि दूसरे फीमेल के फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, GIFT बोला जाता है, जिसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, GIFT को बोलते हैं गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, जो कि अनदर फीमेल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो कि कंज्यूम नहीं कर पाती है, प्रोड्यूस वंस बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन देन फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्ट। और जैसे कि होता है जो कोई फीमेल होती है कि जिसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर सर्टन कंडीशन उपलब्ध रहता है कि वो मतलब जो ओवम जायगोट बन जाएगा, जायगोट के बाद का प्रक्रिया उस फीमेल के अंदर हो सकता है, तो उस प्रोसेस उस कंडीशन में दूसरे फीमेल का ओवम उस फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। आगे देखते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको कि ICSI बोलते हैं, ये क्या होता है, एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्योर होता है, जो कि इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जो कि लेबोरेटरी में इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, और इसमें कि क्या किया जाता है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, जो ओवम होता है ना, ओवम जो होता है फीमेल का, ओवम हो गया, ओवम, उसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उस प्रोसेस में क्या होता है कि फ्यूजन नहीं होता है, जैसे हम लोग जैसे ना मेल पार्टनर का और फीमेल पार्टनर का यहाँ फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस में ICSI में फ्यूजन नहीं होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है वो डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक, आगे देखते हैं। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द एजुकुलेशन कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। और जो इनफर्टिलिटी जो मेल पार्टनर में होता है, मेल पार्टनर में इनफर्टिलिटी कब होता है, जबकि उसमें
जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत कम होता है, यानी जो इजुकुलेशन होता है यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन व्हेन द मेल पार्टनर इंसेमिनेट इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल पार्टनर देन द स्पर्म काउंट इज लेस देन दैट ऑफ द नॉर्मल स्पर्म काउंट्स इन दिस इन दैट कंडीशंस मेल पार्टनर आर इनफर्टाइल एंड दिस कुड बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के द्वारा सुधारा जा सकता है। देखते हैं, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इन टू द वजाइना और इन टू द यूटरस दैट इज इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो सीमेन जो कलेक्ट किया जाता है जो कि हेल्दी डोनर यानी कि जो मेल पार्टनर डोनर करते हैं और मतलब डोनर यानी कि डोनेट करते हैं स्पर्म को, तो उस स्पर्म को आर्टिफिशियली जो आर्टिफिशियली होता है ना मतलब जो यूज़ करके यानी कि मैन मेड आर्टिफिशियल मतलब टेक्निक यूज़ करके उसको फीमेल के वजाइना में ये मतलब इंटर करा दिया जाता है इन टू द यूटरस जो कि गर्भाशय में इंटर मतलब करा दिया जाता है फीमेल के गर्भाशय में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरा यूटराइन इंसेमिनेशन, जिसको कि IUI बोला जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हेल्दी डोनर है मतलब हेल्दी मेल पार्टनर है उसका स्पर्म जो होता है उसको हम लोग फीमेल के वजाइना में इंटर करा देते हैं, उसको इंटरा यूटराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, थ्रो ऑप्शंस आर मेनी, मतलब ऑप्शन तो बहुत कुछ हैं, बहुत सारे हैं। ऑल टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स। और जो ये टेक्निक है ये तो बहुत हाई मतलब क्या कहते हैं हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर मतलब इसमें चाहिए, यानी कि प्रोफेशनल डॉक्टर सब रहते यूज़ करते हैं मतलब इस प्रोसेस को मतलब हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सब डॉक्टर के पास ऐसा टेक्निक नहीं रहता है जो कि इसको यूज़ करके मतलब बेबी बोर्न करा सके। और इसमें हाईली एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं यानी कि बहुत महंगे महंगे सामान सब इंस्ट्रूमेंट सब यूज़ होते हैं। देयरफॉर दिस फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, इसीलिए ये फैसिलिटीज़ जो है मतलब देश के कुछ विभिन्न भागों में ही मतलब उपलब्ध है, बहुत कम ही ऐसे जगह होंगे जहाँ पर ये ऐसा फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। ओब्वियसली देयर बेनिफिट्स आर अफोर्डेबल टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, और इसीलिए ऑब्वियसली है मतलब कि जो बहुत कम शहर में है तो बहुत हाई होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, यानी कि ऐसा सब टेक्निक यूज़ करने में लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगेगा, तो इसलिए मतलब बहुत कम ही लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत कम ही लोग इस प्रोसेस का लाभ उठा पाते हैं। इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरनेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड, और इस मेथड को यूज़ करने के लिए जो होता है ना बहुत रिलीजियस मेथड यानी कि धार्मिक और सोशल यानी सामाजिक और फैक्टर भी इसमें यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ऐसे मतलब। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीड्योर्स इज़ टू हैव चिल्ड्रेन, और जो भी इसका मतलब इस प्रोसेस इन सारे प्रोसेस का क्या मतलब उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है कि मतलब जो भी मतलब इनफर्टाइल मतलब जो कपल है उनको चाइल्ड हो जाए मतलब मतलब वो पेरेंट बन सके। ठीक, इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन, और जैसे हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं उस देश में क्या बहुत सारे ऑर्फन यानी कि ऑर्फन किसको कहा जाता है, जो अनाथ रहते हैं मतलब उसका कोई माँ बाप नहीं रहता है वैसे बच्चे को अनाथ कहा जाए ऑर्फन कहा जाता है। और भारत में देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा नंबर में ऑर्फन रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड यानी कि वैसे भी चाइल्ड है मतलब जिसका कोई माँ बाप देख रेख करने वाला नहीं है, हु कुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, और वो मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाते यानी कि मैच्योरिटी मैच्योर स्टेज तक जाते ही मतलब उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण कि मतलब किस कैसे डेथ हो जाती है अनलेस टेकन केयर, जिसका मतलब उनका अच्छे से पालन पोषण नहीं हो पाता है और वो मतलब अच्छा से केयर नहीं हो पाता है, तो ऑर्फन चाइल्ड और जो डिस्टिट्यूट चाइल्ड होते हैं वो ज़्यादातर जल्दी ही मौत के शिकार हो जाते हैं। आवर लॉ परमिट्स लीगल एडॉप्शन एंड इट इज़ एज येट, और हमारा मतलब जो कानून है देश का जो कानून है वो हम लोग लीगल एडॉप्शन करने का मतलब हक दिया गया है, जिसमें कि मतलब अगर जैसे कि ऑर्फन अनाथालय में जैसे बच्चा लोग रहता है ना तो उसको अगर कोई मतलब जो कपल है अगर वो चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग पेरेंट के रूप में कुछ उन बच्चों में से किसी को भी मतलब अपने घर ले जाकर रख सकते हैं, अच्छे से पालन पोषण करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो ऐसा हम लोग के पास लॉ है मतलब हमारे देश के पास ऐसा कानून उपलब्ध है उसके कारण कि मतलब जो कपल मतलब पेरेंट नहीं बन पाए हैं वो वैसा कर सकते हैं, वैसा मतलब अनाथालय से यानी अनाथालय जो होता है ऑर्फेंड हाउस तो वहाँ से मतलब कोई भी बच्चे को मतलब ले जा करके मतलब लिखित बयान देना पड़ता है मतलब अनाथालय में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें, और उससे मतलब ले जा करके मतलब पेरेंट के रूप में केयर कर सकते हैं, और इसके कारण वो मतलब जो बच्चे होंगे तो फ्यूचर में उनके मतलब क्या कहते हैं बेटा बेटी की तरह ही उनका सम्मान करते हैं। ठीक,
वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, और ऐसा ही बेस्ट मेथड माना जाता है जो कि पेरेंटहुड यानी कि जो क्या कहते हैं माँ बाप बनना चाहते हैं तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, आज कंप्लीट हो गया और ये समरी तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, तो हम लोग कल तो क्या पढ़ेंगे, कल पहले नोट्स हम लोग देख लेंगे, नोट्स जो भी है इसका नोट्स पहले क्लियर कर देंगे और नोट्स कंप्लीट होने के बाद तब इसका हम लोग जो 12 को क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में जितना भी है जितना भी क्वेश्चन है हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर और तब हम लोग आगे चैप्टर पर जाएंगे। थैंक्स ऑल टू वॉचिंग फॉर कमिंग टू दिस वीडियोज एंड थैंक्स ऑल एंड इफ यू न्यू माय चैनल प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल।